गैजेट 360 के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास रिव्यू के लिए आया है वीवो S1। अब वीवो Z1 Pro एक फ़ोन था जिसका हमने हाल ही में रिव्यू किया था, काफ़ी हद तक हमें वो पसंद आया था। तो वीवो S1 उसे थोड़ा महंगा है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी है। अब वीवो S1 के नाम में जो S है उसका मतलब है स्टाइल, ऐसा वीवो ने कहा है। लेकिन इसमें आपको स्टाइल के अलावा और क्या मिलेगा? क्या परफॉर्मेंस अच्छा है इसका, या कैमराज अच्छे हैं इसके, क्या बैटरी लाइफ अच्छी है? ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमने इसकी डिटेल टेस्टिंग की और एक रिव्यू वीडियो बनाया आपके लिए। लेकिन हमारा वीवो S1 का रिव्यू देखने से पहले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोज पब्लिश करते हैं। Vivo S1 भारत में 3 वेरिएंट में लॉन्च हो चुका है। 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपये में, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 18,990 रुपये में और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपये में। Vivo S1 का डिज़ाइन हमें काफ़ी पसंद आया। इसमें 6.38 इंच का डिस्प्ले है जिसमें एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच भी है ऊपरी हिस्से में। डिस्प्ले के बेजल साइड में तो काफ़ी पतले हैं लेकिन इसका बॉटम चिन थोड़ा मोटा है। वीवो ने इस फोन में एमोलेड पैनल का इस्तेमाल किया है जिसके कारण S1 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी उपलब्ध है। अब यह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो काफ़ी अच्छा चल जाता है, काफ़ी जल्दी ये फ़ोन को अनलॉक भी कर देता है और उसमें रीट्राई कभी नहीं करना पड़ा इसे। स्मार्टफोन को अनलॉक करने का सबसे सिक्योर तरीका तो नहीं है फेस अनलॉक, लेकिन बहुत ही जल्दी अनलॉक हो जाता है फ़ोन इससे, इसके कारण काफ़ी कन्वीनियंट ज़रूर है ये। इस स्मार्टफोन में लैमिनेट बैक है जिसमें एक बहुत ही बढ़िया दिखने वाला डायमंड पैटर्न है और ग्रेडियंट कलर फिनिश भी है। दिखने में इसका डायमंड पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है। अब वीवो S1 का बैक पैनल दिखने में तो काफ़ी स्टाइलिश है लेकिन इसका मटेरियल हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से पड़ जाते हैं। वीवो S1 में प्लास्टिक फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण ये फ़ोन पकड़ने में काफ़ी कम्फर्टेबल लगता है। इस फ़ोन को पकड़ते समय आपको रफ एजेस महसूस होंगे क्योंकि इसका फ्रेम सीमलेसली बैक को नहीं मिलता है। दाएं तरफ पावर बटन है इसमें वॉल्यूम बटन्स के साथ में और इसे पहुंचना काफ़ी आसान है और वीवो S1 में एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी है। दुख की बात यह है कि इस स्मार्टफोन में माइक्रो USB पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर फोन्स USB Type-C पर मूव कर चुके हैं और अच्छा नहीं लगा हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने के बाद। वीवो S1 एक ड्यूअल सिम फोन है और इसमें 2 नैनो सिम के स्लॉट हैं और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी है। वीवो S1 में फन टच OS 9 का इस्तेमाल किया गया है जो एंड्रॉयड 9 पाई पर आधारित है। ये काफ़ी कस्टमाइज UI है एंड्रॉयड के ऊपर। अगर आपने वीवो स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया है पहले तो आपको ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा फन टच OS को समझने में, लेकिन अगर आपने वीवो का UI इस्तेमाल नहीं किया है पहले तो आपको मुश्किल हो सकती है क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड की तरह ऐप ड्रॉअर नहीं है। सारे ऐप आइकॉन्स होम स्क्रीन पर एकदम लाइनअप किए गए हैं। फन टच OS में iOS जैसा एक शॉर्टकट सेंटर है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको स्क्रीन के बेस से ऊपर तक स्वाइप अप करना पड़ेगा और वहाँ पर काफ़ी सारे UI ऑप्शंस हैं। ये स्टॉक एंड्रॉयड का एग्जैक्ट ऑपोजिट है जिसके कारण कुछ लोगों को मुश्किल हो सकती है इसे इस्तेमाल करते समय। वीवो ने काफ़ी सारा ब्लोटवेयर भी इंस्टॉल किया है इस डिवाइस पर। हमने डेली हंट, हेलो और फेसबुक जैसे काफ़ी सारे ऐप्स प्रीलोडेड देखे और इन्हें आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस फ़ोन में नोटिफिकेशन स्पैम का ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं था। वीवो ने इसमें खुद का ऐप स्टोर इंस्टॉल कर दिया है जिसका नाम है वी ऐप स्टोर, जिसको आप निकाल नहीं सकते फ़ोन से। MediaTek Helio P65 SoC का इस्तेमाल किया गया है वीवो S1 में और वो काफ़ी अच्छा चल जाता है। डे टू डे यूज़ के टाइम पर कोई लैग या स्टटर तो हमने देखा नहीं। इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते समय किसी भी ऐप या गेम को लॉन्च करने के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इसका आइडल बैटरी ड्रेन भी कोई ज़्यादा नहीं है, हमें फ़ोन ऐसे ही रख दिया और बिल्कुल यूज़ नहीं किया तो इसमें बैटरी ड्रेन ज़्यादा नहीं होती है। मल्टीटास्किंग इस फोन पर हमें काफ़ी आसान लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें क्योंकि इसमें 6GB रैम है। हमारे रिव्यू पीरियड के दौरान हमने देखा कि फ़ोन को बैकग्राउंड में चलते हुए ऐप्स को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वीवो S1 का एमोलेड पैनल काफ़ी अच्छा है, इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे लगे हमें। अब मूवीज़ वगैरह देखते समय वीडियो के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसका स्पीकर इतना लाउड नहीं है, स्पीकर का वॉल्यूम कम होने के कारण इस पर वीडियोज़ देखने में मज़ा नहीं आता है। पबजी मोबाइल मीडियम प्रीसेट पर चला इस फ़ोन पर, ग्राफिक्स उसके बैलेंस पर थे और फ्रेम रेट मीडियम पर था। 20 मिनट तक हमने पबजी मोबाइल खेला और उसके बाद में देखा कि फ़ोन थोड़ा गर्म हो गया था लेकिन कोई ज़्यादा नहीं। 5% बैटरी ड्रॉप भी देखा इतना गेम करने के बाद। वीवो S1 में 4500 mAh की बैटरी है और उसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। रेगुलर यूज़ में ये फ़ोन 1.5 दिन तक चल जाएगा आराम से। हमारे यूसेज में हमने सारे बेंचमार्क्स चलाए इस पर, कैमरा सैंपल्स लिए, एक व्हाट्सएप अकाउंट भी चलाया इस पर। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में ये स्मार्टफोन 16 घंटे और 38 मिनट तक चला।
Vivo S1 का चार्जिंग स्पीड ठीक ठाक है, 0 से 34% तक के आधे घंटे में चार्ज हो जाता है और 0 से 65% तक चार्ज हो जाता है एक घंटे में। Vivo ने ट्रिपल कैमरा सेटअप का इस्तेमाल किया है S1 में, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इसमें एक फ्रंट कैमरा भी है जो 32 मेगापिक्सल का है। Vivo S1 से लिए गए फोटोज हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, स्पेशली अगर आप उसके प्राइस पॉइंट पर ध्यान दें तो। डेलाइट में लिए गए फोटोज़ में ये फ़ोन ने फोकस तो बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन फोटोज़ काफ़ी अंडर एक्सपोज थे। डिटेल्स इसमें ठीक ठाक थे और दूर थोड़ा टेक्स्ट था इस फोटो में, जिसे पढ़ने में हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। इसी सीन को हमने अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर से भी शूट किया और एक्सपोजर उसमें हमें ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल से लिए गए इस शॉट में डिटेल्स कम थी। क्लोजअप्स तो अच्छे थे इस फोन से लिए गए। Vivo S1 ने फोकस काफ़ी जल्दी लॉक कर लिया क्लोजअप शॉट्स के दौरान और एक्सपोजर भी सही था उसमें। कलर रिप्रोडक्शन भी हमें अच्छा लगा। पोर्ट्रेट मोड में अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट्स तो आते हैं इसमें, जो आप शटर बटन दबाने से पहले चूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में लिए गए फोटोज़ में एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा लगा हमें। Vivo ने एक सेपरेट अपर्चर मोड भी दिया है, जो आप बोके शॉट्स लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मोड में पोर्ट्रेट शूट करते समय हमने देखा कि ब्लर इफेक्ट ठीक ठाक कंसिस्टेंटली नहीं लगा था, एज डिटेक्शन अच्छा नहीं था इस मोड में। इसका लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि डिटेल ज़्यादा अच्छे नहीं आए फोटोज़ में। कैमरा ऐप में हमें नाइट मोड नहीं दिखा, और अगर नाइट मोड होता तो लो लाइट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती Vivo S1 की। सेल्फीज़ में डिटेल अच्छी थी, लेकिन Vivo S1 में देखा कि सेल्फीज़ को ओवर एक्सपोज थोड़ा कर देता है ये। आप सेल्फी में पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं और एज डिटेक्शन उसमें अच्छा था, लेकिन इन शॉट्स में हमें ओवर एक्सपोजर की प्रॉब्लम दिखी। Vivo S1 का वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p पर मैक्स आउट हो जाता है प्राइमरी और सेल्फी कैमराज के लिए। Vivo S1 में वीडियो स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, जो थोड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि ज़्यादातर स्मार्टफोन्स इस प्राइस रेंज में 4K वीडियो शूट कर लेते हैं और 1080p फुटेज भी स्टेबलाइज कर लेते हैं। Vivo S1 का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, उसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी तेज़ चल जाता है और उसकी प्रोसेसिंग पावर भी ठीक ठाक ही है। Qualcomm Snapdragon 660 वाले फ़ोन से इसकी तुलना की जा सकती है। Vivo S1 का प्राइस 20,000 रुपये से नीचे है, लेकिन इसके प्रोसेसर का परफॉर्मेंस ऐसा है कि वो 10,000 रुपये से कम के फ़ोन में भी आपको मिल जाएगा। Vivo S1 की बैटरी लाइफ हमें काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन इसका कैमरा परफॉर्मेंस हमें पसंद नहीं आया। 20,000 रुपये के आसपास आपको बहुत ही अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं, Oppo K3, Realme X, और थोड़ा अब ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो Redmi K20 जैसे फ़ोन्स भी आपको मिल जाएंगे, जिनमें परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, कैमराज भी बहुत ही अच्छे हैं और ओवरऑल लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं ये फ़ोन्स। Vivo S1 काफ़ी सारी चीज़ों में पीछे रह जाता है, जिसके कारण हम उसे रिकमेंड नहीं कर सकते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई फीडबैक है आप कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं, और टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो gadgets.ndtv.com/hindi पर ज़रूर जाएं।